अगस्त 1929 में हिंदी सिनेमा को एक ऐसा नायाब तोहफा मिला जो बहुत ही खास था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक ऐसे कलाकार थे जो म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और राइटर भी थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किशोर दा की। वही आवाज़ जिसने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, देवानंद जैसे सुपरस्टार्स के लिए फैंस की लंबी लाइन लगवा दी। आज किशोर दा का जन्मदिन है। इस मौके पर हम आज याद करेंगे उनके ज़िंदगी के ऐसे किस्से जो होठों पर हंसी ले आते हैं। बचपन में आभास कुमार गांगुली के नाम से पुकारे जाने वाले किशोर कुमार चार भाई बहन थे, लेकिन जब किशोर दा 1 साल के हुए तब उनके बड़े भाई पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए, इसलिए किशोर दा को लगता था कि वो सिर्फ 3 ही भाई बहन हैं। जब किशोर दा 4 साल के हुए तब उनके बड़े भाई छुट्टियों में घर आए और किशोर कुमार घर आए इस मेहमान से अपरिचित थे। उनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस मेहमान को इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है। माँ का प्यार भी बटने लगा था। एक दिन किशोर दा की माँ ने खीर बनाई और खीर दोनों ही भाइयों को पसंद थी। माँ ने कटोरी भर खीर अशोक कुमार के सामने रख दी। तब किशोर ने माँ से पूछा कि आखिर ये कौन है, तुम इसे इतनी खीर क्यों दे रही हो। तब माँ ने हंस कर उन्हें बताया कि वो किशोर के बड़े भाई हैं। तब जाकर किशोर दा को पता चला कि वो 4 भाई बहन हैं। किशोर दा ने उन्हें झट से गले लगाकर दादा मुनि कहा था, इसीलिए अशोक कुमार को दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। अपनी आवाज़ से बढ़कर एक क्लासिकल गाना गाने वाले किशोर दा पैदाइशी सुरीले नहीं थे। अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बचपन में किशोर का गला बैठा हुआ था, लेकिन एक घटना की वजह से उनका ऐसा रियाज हुआ कि उनकी आवाज़ ही बदल गई। दरअसल एक बार उनकी माँ रसोई में सब्जी काट रही थी और किशोर दा दौड़कर माँ के पास जा रहे थे। इतने में वहाँ रखी दराटी से उनके पैर की उंगली कट गई। डॉक्टर ने उंगली का इलाज तो कर दिया, लेकिन किशोर दा का दर्द नहीं गया। वो कई दिनों तक इस दर्द में जोर जोर से रोया करते थे। इस तरह घंटों रोने से उनके वोकल कॉर्ड्स पर असर पड़ा और उनकी आवाज़ हस्की हो गई। किशोर दा हल्के फुल्की एक्टिंग और सीरियस रोल करते थे, लेकिन उनकी निजी ज़िंदगी में कई ऐसे किस्से हैं जो किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं हैं। फिलहाल ये थी किशोर कुमार से जुड़ी कुछ खास बातें, और इन्हीं खास बातों के साथ बोल बिंदास में बस इतना ही।